इसी तालाब में विसर्जन हुआ था। ये देख सकते हैं, इसी तालाब में आप लोगों को विसर्जन दिखाई दे रहा होगा। ये गणपति बप्पा का कुछ मूर्तियां हैं जो कि पवई के इसी देख सकते हैं। कोई खास बड़ा नहीं है, और मेन वाले गार्डन में जाएंगे तो इससे बड़ा मिल जाएगा आप लोगों को। आप चारों ओर देखेंगे तो आपको ऊंची ऊंची इमारत और बिल्डिंगें दिखाई देंगे इस लेक के पास। और ये लेक तो गाइस, हम आज चलने वाले हैं ऐसी जगह पर जहाँ पर गणपति विसर्जन की गई थी, और वहाँ का तालाब कितना खूबसूरत है। तो चलेंगे, दिखाएंगे दोस्तों आप लोगों को, तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें। और काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी अच्छा वहाँ का। तो दोस्तों, अभी हमें ये ब्रिज पार करना है, और ब्रिज पार करके दोस्तों हमें रोड के उस साइड जाना है। उसी साइड में आप लोगों को तालाब देखने को मिलेगा। और ये ब्रिज दोस्तों काफ़ी दिनों के बाद चढ़ने को मिला हमें, क्योंकि इधर हम बहुत दिनों के बाद आ रहे हैं ब्लॉग शूट करने, क्योंकि गणपति था, गणपति में कर नहीं पाए थे। तो सोचे गणपति के बाद चलते हैं ब्लॉग शूट करने के लिए। तो आप लोग देख सकते हैं मैं ब्रिज पे चढ़ गया हूँ दोस्तों। ये ब्रिज जो देख सकते हैं, ये एलबीएफ वाला रोड है अपना, जो बिकोली के लिए गया हुआ है साकीनाका से। तो दोस्तों ब्रिज का देख सकते हैं कितना लंबा चौड़ा ब्रिज है, आप लोगों को ब्रिज दिखाई देता होगा। और यहाँ से पीछे देख सकते हैं गाड़ी आती रहती है यहाँ पर। ये मेन रोड का ब्रिज है, तो ये रोड को अगर, ये ब्रिज को अगर पार करेंगे तो ही हम पवई के पास पहुँचेंगे, जो कि पवई तालाब के पास ये ब्रिज जाके निकला हुआ है। तो चलते हैं फटाफट, हम उतरते हैं नीचे। तो दोस्तों अभी हम उतर रहे हैं धीरे धीरे करके। देख सकते हैं ब्रिज, ये यहाँ का ब्रिज है। तो गाइज, हम फाइनली पहुँच चुके हैं पवई तालाब के पास। तो देख सकते हैं हमारे पीछे तालाब का नज़ारा। और दोस्तों, ये काफ़ी दिनों के बाद आया हूँ, और यहाँ पर दिखाएंगे दोस्तों गणपति विसर्जन हुआ है यहाँ पर। तो कैसे इसकी तैयारी थी, और कैसे यहाँ पर क्या क्या हुआ था, और इस तालाब की खासियत क्या है, और तालाब में कितनी अच्छी और बातें हैं। अच्छा लेक माना जाता है। और एक बात है दोस्तों, ये लेक पे ना इतनी गंदगी है, तो हम प्लीज़ कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से, इस वीडियो को इतना वायरल कीजिए कि 2 अक्टूबर जिस दिन सफाई अभियान चालू होने वाला हो, तो इस लेक को साफ़ सफाई किया जाए। बैठने के लिए काफ़ी अच्छा सुविधा भी दिया गया है यहाँ पर। और यहाँ देख सकते हैं पीछे जो, जिस पर हम चल रहे हैं, ये सब बैठने के लिए दिया गया है यहाँ पर। दोस्तों यहाँ से देखेंगे तो काफ़ी खूबसूरत नज़ारा रहता है इस लेक का। आप चारों ओर देखेंगे तो आपको ऊंची ऊंची इमारत और बिल्डिंगें दिखाई देंगे इस लेक के पास। और ये लेक दोस्तों काफ़ी गंदा हो गया है, कोई साफ़ सफाई नहीं होता है। तो आप लोग अगर वीडियो को वायरल करेंगे तो ज़रूर इस लेक को साफ़ सफाई किया जाएगा, क्योंकि मोदी जी का कहना है कि सफाई अभियान चालू करें। काफ़ी का बड़ा लेक है, और यहाँ पर लोग आते हैं शाम को टहलने के लिए, सुबह में टहलने के लिए, और काफ़ी खूबसूरत दिखता है दोस्तों यहाँ का लेक। और मुंबई का, पवई का जो मुंबई पवई एरिया है, पवई में एक ही तालाब है ये साइड में, जो कि काफ़ी फेमस तालाब है यहाँ का, और काफ़ी बड़ा भी है, ज़्यादा बड़ा तालाब है। तो यहाँ पर ज़्यादा लोग यहीं पर आते हैं घूमने के लिए। तो हम आगे चलेंगे और आप लोगों को दिखाएंगे कि आगे क्या है। और यहाँ सामने देख सकते हैं, यहाँ पर ये मुंबई मेट्रो फेज 3 का काम चालू है।
ये यहाँ का छोटा सा पुल दिया गया है ये गटर पार करने के लिए, और यहाँ से खूबसूरत नज़ारा देखने को आपको यहाँ से मिलेगा लेक का। ये देख सकते हैं कितनी दूरी पर है, कितना बड़ा है। तो हम आगे चलेंगे और आप लोगों को दिखाते हैं और आगे क्या क्या चीज़ है। तो यहाँ से काफ़ी खूबसूरत नज़ारा रहता है लेक का, और ये जो देख रहे हैं आप चारों ओर, ये यहाँ पर शाम के टाइम आएंगे आप तो यहाँ पर एक से एक कपल और फैमिली लोग यहाँ पर घूमने के लिए आ जाते हैं। ये देख रहे हैं ना बाउंड्री आप, ये पूरे पत्थर पे चारों ओर देखेंगे आप तो पूरा पब्लिक से खचाखच भरा रहता है। इसके लिए ये लेक काफ़ी माना जाना लेक है इस एरिए का। इस एरिए में और कोई इतना बड़ा लेक नहीं है, क्योंकि इसके सिवा कोई लेक नहीं है मुझे मालूम है जहाँ तक, देखिए खाली लेक है यहाँ का। यहाँ पर मच्छी भी मारते हैं, आकर मच्छी भी मिलती है यहाँ पर। काफ़ी लोग देखेंगे आप कटिया भी लगाते हैं यहाँ, और थोड़ा सा यहाँ पर क्या है एक पार्क दिया हुआ है घूमने के लिए। आगे आपको एक छोटा सा पार्क मिलेगा बच्चे को घूमने के लिए, और एक गार्डन है, और यहाँ पर गणपति विसर्जन भी होता है, इसकी वजह से लेक का नाम ज़्यादा है। हाँ दोस्तों आपसे क्या बताऊँ, मुझे तो बहुत गुस्सा लगता है देखकर। इतने खूबसूरत लेक को आप देख सकते हैं, कितनी गंदगी इस लेक में, और इस लेक में इतनी गंदगी है जाकि साफ़ करना चाहिए। देख सकते हैं कितनी कचरा दिख रहा है इधर। कोई भी साफ़ करे इस लेक को हमें उससे नहीं मतलब है। सिर्फ 2 अक्टूबर को जिस दिन सफाई अभियान चालू हो रहा है उस दिन इस लेक को सफाई दोस्तों आप लोगों को करवाना है। तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को इतना वायरल कीजिए, इतना वायरल कीजिए कि देखने वाले इतना कमेंट करें कि इस लेक को अच्छे से साफ़ किया जाए। देख सकते हैं कितना खूबसूरत लेक है, लेकिन इस लेक में काफ़ी गंदगी है दोस्तों, कोई साफ करने वाला नहीं है। तो हम चलेंगे थोड़ा और आगे दिखाएंगे और क्या खूबसूरती है इस लेक का। और एक समय था ये काफ़ी खूबसूरत लगता था, लेकिन अभी इसमें इतना कचरा है। जलकुंभी आप जलकुंभी दिखाता हूँ आप लोगों को, ये देख सकते हैं कितना जलकुंभी दिख रहा है आप लोगों को, देख सकते हैं इसको साफ़ करना ही चाहिए दोस्तों। देख रहे हैं ना खूबसूरत यहाँ से कितना साफ नज़ारा दिख रहा है आप लोगों को। और इस थोड़ा क्या है ना जलकुंभी की वजह से ये तालाब जो है गंदा दिख रहा है, नहीं तो तालाब को ना कश्मीर का डल झील जैसा ही दिखता, जिसके वजह से गंदगी की वजह से काफ़ी गंदा महसूस हो रहा है, नहीं तो काफ़ी खूबसूरत तालाब है यहाँ का। देख सकते हैं चारों ओर जहाँ तक आप देखेंगे ना वहाँ तक ही आप लोगों को सफ़ा सफ़ा एकदम पहाड़ दिखेगा, और ऊपर आसमान और बगल में बिल्डिंगें देख सकते हैं आप, कितना खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का इस गंदगी की वजह से। इस तालाब का जो रौनक है वो चला गया है, देख सकते हैं कितना झाल दिख रहा है, नहीं तो काफ़ी खूबसूरत इस एरिए का तालाब है। अगर इस तालाब को साफ़ किया जाए ना तो काफ़ी खूबसूरत लगेगा, जो कि टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं घूमने के लिए। तो देख सकते हैं ये जलकुंभी जो देख रहे हैं आप, जलकुंभी दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को सामने, तो जलकुंभी की वजह से ना गंदा दिख रहा है, देख सकते हैं कितना गंदा दिख रहा है ये, नहीं तो काफ़ी खूबसूरत तालाब है यहाँ का। देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है ये, देखिए यहाँ से आप लोगों को पहाड़ दिखाई दे रहा होगा, बिल्डिंग दिखाई दे रहा होगा। इसके बगल में ज़्यादातर होटलें बनाए गए हैं, क्योंकि एक अच्छा व्यू दिखता है, होटल रहता है तालाब के बगल में। तो जलकुंभी की वजह से ना बहुत गंदा दिख रहा है, देख सकते हैं, जो कि इतना गंदा तालाब कहीं है नहीं जितना गंदा ये तालाब है। जलकुंभी की वजह से ना काफ़ी गंदा दिख रहा है, नहीं तो देख सकते हैं आप कितना हरा भरा दिख रहा है, काफ़ी खूबसूरत है ये सब नज़ारा यहाँ का। सिर्फ क्या है ना ये तालाब जलकुंभी की वजह से गंदा दिख रहा है, ये जो जलकुंभी देख रहे हैं ना आप, इसके वजह से काफ़ी गंदा दिख रहा है, नहीं तो आप देखेंगे ना तो काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का। तो ज़्यादातर दोस्तों तालाब के पास इतना गंदगी नहीं रहता है जितना इस तालाब के पास है, देख सकते हैं ना कितना खूबसूरत नज़ारा यहाँ से लग रहा है आप लोगों को। ये देखिए बड़े बड़े होटल दिखाई दे रहे हैं, देख सकते हैं आप काफ़ी बड़े बड़े होटल हैं यहाँ पर।
और यहाँ से पहाड़ का क्या सूरत है दोस्तों, देख सकते हैं क्या खूबसूरती दिख रही है। ये देखिए कितनी खूबसूरत है, ये दिख रहा है पहाड़ आप लोगों को। सिर्फ क्या है ना, गंदगी की वजह से दोस्तों, नहीं तो इतना अच्छा लोकेशन यहाँ का देख सकते हैं, कितना खूबसूरत दिखता है यहाँ से तालाब का ये व्यू, और काफ़ी खूबसूरत लगता है दोस्तों यहाँ आना। मात्र एक ऐसा ही तालाब है यहाँ का जो काफ़ी बड़ा काफ़ी खूबसूरत है, और ज़्यादातर लोग यहाँ आते हैं बैठने के लिए, घूमने के लिए। तो देख सकते हैं तालाब के आजू बाजू में दोस्तों काफ़ी खूबसूरत लोकेशन है, और यहाँ पर मेट्रो जा रही है, मेट्रो फेस 3 जो कि आर्य कॉलोनी के पास जाएगा। सिर्फ गंदा है तो बस सिर्फ यहाँ से जलकुंभी की वजह से गंदा है, नहीं तो और कोई गंदगी यहाँ नहीं है। देख सकते हैं कितना कचरा है तालाब के पास, ये देखिए कितना गंदा दिख रहा है। क्या भूलेगा यहाँ के प्रशासन को, ये देख सकते हैं कितना गंदा दिख रहा है। अब बीच में देखो जहाँ पर गंदगी नहीं, जहाँ पर जलकुंभी नहीं है, कितना खूबसूरत वहाँ से लोकेशन दिख रहा है। देख सकते हैं आप कितना खूबसूरत दिख रहा है यहाँ से। तो आपको छोटा सा एक गार्डन मिल जाएगा, देख सकते हैं बच्चे लोग को खेलने के लिए दिया गया है। काफ़ी छोटा पार्क है, ज़्यादा कोई बड़ा खास नहीं है, और ये रेलिंग लगाया गया है यहाँ से इस तालाब का नज़ारा देखने के लिए। तो यहाँ का ये छोटा सा पार्क है, और यहाँ से देखेंगे आप तो ये मेन रोड आ जाएगा। ये देखिए मेन रोड है यहाँ का। तो यहाँ देखिए कुछ बच्चे लोग खेल रहे हैं, ये छोटा छोटा ऐसे दिया गया खेलने के लिए, देख सकते हैं। कोई खास बड़ा नहीं है, और मेन वाले गार्डन में जाएंगे तो इससे बड़ा मिल जाएगा आप लोगों को। हम अभी आगे चलेंगे, दिखाएंगे आप लोगों को गणपति विसर्जन कहाँ पर हुआ था। तो क्योंकि वहाँ पर गणपति विसर्जन सिर्फ एक ही जगह पर होता है पौंड में, और जितनी गणपति आती है सबको एक ही जगह पर ही विसर्जित किया जाता है। तो आपको लेकर चलते हैं वहाँ, दिखाते हैं गणपति विसर्जन कहाँ हुआ था। और ये हमारे पीछे तो देख रहे हैं ना, ये छोटा सा एक बच्चे लोग के लिए खेलने के लिए पार्क बनाया गया है, जो कि छोटा छोटा मोटा झूला है लगा हुआ है। तो यहाँ पर ज़्यादातर छोटे बच्चे आते हैं खेलने के लिए, और अगर आप लोग बड़े वाले पार्क में जाएंगे ना, तो बड़े वाले पार्क में काफ़ी कुछ खेलने के लिए दिया गया है वहाँ पर। तो ये छोटा पार्क जो था वो बच्चे लोग के लिए था। तो दोस्तों ये देख सकते हैं गणपति विसर्जन यहाँ पर हुआ था, और ये कुछ खंडित मूर्तियाँ भी आप लोगों को मिलेंगे गणपति बप्पा का। ये देखिए कुछ खंडित मूर्तियाँ भी यहाँ पर हैं, सामने दिखाई दे रहा होगा। और इस जो रेलिंग ये बना हुआ है, इसी रेलिंग के पास गणपति विसर्जन की तैयारी की गई थी, और एक क्रान लगा हुआ है, इसी क्रान से अंदर मूर्ति को विसर्जन की जाती थी। देख सकते हैं गणपति बप्पा की मूर्ति अभी भी आप लोगों को दिखाई दे रही होगी, ये देख सकते हैं यहाँ से आप लोगों को काफ़ी खूबसूरत दिखाई दे रहा होगा गणपति बप्पा की मूर्तियाँ जो है। ये देखिए खंडित मूर्तियाँ अभी भी आप लोगों को दिखाई देगा। और यहाँ से देखिए ये तालाब का, यहाँ देखिए यहाँ गंदगी कम है क्योंकि यहाँ पर साफ़ सफाई होती रहता है, तो इसकी वजह से यहाँ गंदगी कम दिख रही है। और जहाँ साफ़ सफाई नहीं है वहाँ देखिए क्या गंदगी है। ये देखिए इस साइड, वो पहले आप लोगों को दिखाया वो साइड कितनी गंदगी थी, और अभी देखिए आप यहाँ पर कितना साफ़ सफाई है, क्योंकि इधर मूर्ति विसर्जन करना था तो साफ़ सफाई करा दिया गया था। ये देखिए अभी भी खंडित मूर्तियाँ दिख रही हैं यहाँ। देखिए दोस्तों खंडित मूर्ति आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा गणपति बप्पा का, ये देखिए देख सकते हैं इसी तालाब में विसर्जन हुआ था। ये देख सकते हैं इसी तालाब में आप लोगों को विसर्जन दिखाई दे रहा होगा। ये गणपति बप्पा का कुछ मूर्तियाँ हैं जो कि पवई के इसी तालाब में विसर्जन की गई थी, देख सकते हैं। तो दोस्तों हम आ चुके हैं यहाँ पर गणपति विसर्जन हुआ था, और कुछ खंडित मूर्तियाँ भी आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। तो देख सकते हैं हमारे पीछे, और काफ़ी तैयारी की गई थी विसर्जन में, और अभी आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा रेलिंग बना हुआ पीछे, वो पीछे रेलिंग जो बना हुआ है उसी रेलिंग से गणपति विसर्जन की तैयारी की गई थी, और वहाँ पर किरान लगाकर
अंदर पानी में छोड़ा जा रहा था मूर्ति, देख सकते हैं हमारे पीछे। और खंडित मूर्ति अभी भी आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। तो काफ़ी अच्छा व्यवस्था की गई थी यहाँ पर, जो कि गणपति की तैयारी काफ़ी खास था आज से दो दिन पहले। तो अभी भी मूर्तियाँ किनारे पे देख सकते हैं आप लोग, निकल कर आए हुआ कुछ मूर्ति। तो गाइस इसी रेलिंग के पास गणपति विसर्जन की तैयारी की गई थी, देख सकते हैं हमारे पीछे। अभी भी काफ़ी पूजा पाठ का यहाँ पर कार्यक्रम चल रहा होगा, आप लोग देख सकते हैं चारों ओर, जो कि जो रेलिंग लगाया गया है आप देख सकते हैं इसी रेलिंग के पास से। और जो आप लोगों को किरान दिख रहा है, इसी किरान से विसर्जन की पूरी तैयारी की गई थी। और अभी भी देखेंगे आप तो कुछ खंडित मूर्तियां हैं आप लोगों को किनारे पर दिखाई दे रही होगी। तो दोस्तों ये रहा यहाँ का खूबसूरत ब्लॉग। तो अगर आप लोगों को पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ का नज़ारा, गणपति रेलिंग का पूरा वीडियो। दोस्तों लग रहा है पितृपक्ष की तैयारी यहाँ पर चल रही है, तो देख सकते हैं कुछ धर्मगुरु लोग यहाँ पर पूजा पाठ करते हुए। और यहाँ देख सकते हैं गणपति पप्पा की खंडित मूर्ति अभी भी दिखाई दे रही होगी। तो हम एकदम नीचे आ चुके हैं, जिस पर बैठ कर जाते हैं देख सकते हैं, इसी पर बैठ कर अंदर मूर्ति की विसर्जन की गई थी। तो दोस्तों चलते हैं हम अब, अभी हमारा काम का टाइम होने वाला है, तो हम चलेंगे रूम पर। तो आज का ब्लॉग इतना ही। तो गाइज हम फाइनली पहुंच चुके हैं पवई तालाब के पास। तो दोस्तों देख सकते हैं इस समय मैं पवई तालाब के पास पहुंचा हूं। और दोस्तों आपको दिखाऊंगा कि तालाब के पास क्या क्या चीज़ घूमने के लिए है, क्या क्या खासियत है। और यहाँ पर गणपति विसर्जन हुए दोस्तों, तो उसका मलबा भी दिखाएंगे, कैसे गणपति विसर्जन का मलबा जो है तालाब के पास इकट्ठा हुआ है, कुछ खंड मूर्ति आप दिखाएंगे आप लोगों को। तो आप लोग प्लीज़ चैनल बने। तो काफ़ी थक चुका हूँ यार, क्या करो, बहुत सुबह 7 बजे से आया हूँ और 7 बजे से ब्लॉग शूट कर रहा हूँ थोड़ा। तो काफ़ी थक चुका हूँ, तो यहाँ का तो शूट हो गया है। अभी चलेंगे जहाँ पर गणपति विसर्जन हुआ था वहाँ का शूट करने के लिए। तो आप लोग वीडियो में बने रहे दोस्तों, तो आप लोगों को लेकर चलता हूँ जहाँ पर गणपति विसर्जन हुआ था वहाँ का दिखाता हूँ अभी वहाँ का क्या हालात है। और अभी भी मलबा वहाँ पर खंडित मूर्तियाँ अभी भी पड़ी हुई हैं गणपति पप्पा की, तो आप लोगों को दिखाएंगे अभी तक वहाँ की साफ़ सफाई हुआ कि नहीं हुआ। तो दोस्तों चलते हैं यहाँ पर विसर्जन हुआ था। तो दोस्तों आप लोगों को लगता होगा कि खाली वीडियो शूट करके अपलोड कर देते होंगे, ऐसा नहीं है, हम लोग बहुत मेहनत करते हैं यार, फिर भी व्यूज़ नहीं आता है तो दिल टूट जाता है। तो आप लोग थोड़ा सपोर्ट करें यार दोस्तों, आप लोग ही ऑडियंस अगर नहीं सपोर्ट करेंगे तो हम लोग का मनोबल टूट जाएगा, तो हम लोग ब्लॉगिंग कैसे कर पाएंगे। और कितना भी करते दोस्तों अपने हिसाब से, तो हम लोग अच्छे ही ब्लॉगिंग करते हैं, तो अगर नहीं वायरल होता, नहीं ऑडियंस ज़्यादा पसंद कर रही है, तो उसमें क्या कर सकते हैं। अगर आप लोग दोस्तों पसंद करेंगे तो हम और कोशिश करेंगे शूट करने के लिए। तो बहुत मेहनत कर रहे दोस्तों, सुबह से आया हूँ शूट करने के लिए। अभी तक देखिए मैं बैठा हूँ यहाँ पर पवई पार्क में, और काफ़ी शूट किया हूँ मैं दौड़ दौड़ के दोस्तों, थक चुका हूँ इसीलिए यहाँ पर बैठ गया हूँ। तो दोस्तों आप लोग सपोर्ट दिखाइए यार, बाकी लोग को सपोर्ट करते हैं यार, हमें भी सपोर्ट करें यार।